इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। क्या किसी मरे हुए व्यक्ति से दोबारा मिल सकते हैं? आप कहेंगे कि ना, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन विज्ञान ने अब इसको संभव बना दिया है। हाल ही में एक माँ विज्ञान के चमत्कार से अपनी मरी हुई बेटी से फिर से मिल सकी, जिसकी मौत एक बीमारी की वजह से 4 साल पहले यानी कि साल 2016 में हो गई थी। ये अजीबोगरीब घटना दक्षिण कोरिया की है। दरअसल यहाँ एक टीवी शो हुआ था जिसका नाम था मीटिंग यू। इस शो में ही वैज्ञानिक तरीके से एक माँ को उसकी मरी हुई बेटी से मिलवाया गया। इस दौरान माँ ने अपनी मृत बेटी को छुआ, उससे बातें की और ढेर सारा प्यार किया। इतना ही नहीं, मृत बेटी ने अपनी माँ से ये वादा भी किया कि वो फिर अपनी माँ से मिलने जरूर आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माँ का नाम जांग जी सुंग और उसकी मृत बेटी का नाम नेयोन है। दरअसल दोनों की मुलाकात वर्चुअल रियलिटी के जरिए हुई। वर्चुअल रियलिटी एक कृत्रिम वातावरण या दृश्य है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इस कृत्रिम वातावरण या दृश्य को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि लगता है कि वो सब कुछ सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल रियलिटी के जरिए जांग जी सुंग की बेटी नेयोन का शरीर फिर से बनाया गया और उसे इस तरह बनाया गया कि वो हुबहू वैसी ही लगे जैसी वो असल में थी। उसके बाद उसकी आवाज डाली गई और टीवी शो मीटिंग यू में उसके बाद उसकी माँ से करवाई गई। इस दौरान जैसे ही जांग ने अपनी बेटी को देखा, वो बेतहाशा रोने लगी और उसे प्यार करने लगी। ये नजारा देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे नेयोन के पिता और उसके भाई बहन भी रोने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल रियलिटी के जरिए जांग जी सुंग की बेटी नेयोन का शरीर फिर से बनाया गया। हालांकि अब ये मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या ऐसा करना सही है, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति को उसके परिजनों से मिलवाना सही है, क्योंकि इससे परिजनों की मानसिक स्थिति के बिगड़ जाने का खतरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के प्रोफेसर ब्ले विडबी का कहना है कि हमें नहीं पता कि एक माँ के अपनी मरी हुई बेटी से मिलने से उस पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। वो इससे खुश हो सकती है या वो अपनी मृत बेटी को और भी ज्यादा याद करने लग सकती है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।